छत्तीसगढ़ के धमतरी में सोमवार को एक व्यापारी की नृशंस हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में पति पत्नी ने व्यापारी के सिर पर सब्बल से इतनी जोर से वार किया कि उसके दो टुकड़े हो गए। इसके बाद सब्बल उसके गले में घुसेड़ दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी पति पत्नी को हिरासत में ले लिया है। हत्या के विरोध में जैन समाज ने शहर में अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शांति नगर कॉलोनी निवासी राजेंद्र पारख मेडिकल स्टोर संचालक थे और प्रॉपर्टी का भी काम करते थे। उन्होंने एक जमीन ग्राम अमेठी बस्ती मंच के पास ली थी। इसे लेकर उनका फिरंगी निर्मलकर से विवाद चल रहा था। इसका मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। राजेंद्र सुबह करीब 9 बजे अपनी दुकान पर पहुंचे और फिर वहां से अमेठी गांव चले गए। राजेंद्र को वहां देख दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। बात इतनी बड़ी कि आरोप है कि फिरंगी ने सब्बल से राजेंद्र पर वार कर दिया। यह देख फूलेश्वरी ने भी उसी सब्बल से मारा। वार इतनी जोरदार था कि राजेंद्र का सर फट गया और उसका भेजा तक बाहर आ गया। इसके बाद आरोपियों ने उसके गले में सब्बल घुसेड़ दिया। स्थानीय गांव वालों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद राजेंद्र को पुलिस एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।